दोस्तों थोड़ी सी प्लानिंग करने के बाद अब हम निकल चुके हैं इंडिया की टॉप टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक मनाली के लिए। शाम के 3 बजे दिल्ली से हमने अपनी यात्रा शुरू की है और देखते हैं कि किस टाइम तक हम पहुंच पाते हैं मनाली, या पहुंच भी पाते हैं या नहीं। जानने के लिए देखते रहें YouTube चैनल। तो चलें। यहाँ पर जाना हर किसी का सपना होता है और लाइफ में कम से कम एक बार तो यहाँ ज़रूर जाना चाहते हैं। और जब आप एक बार यहाँ पहुँच जाएंगे तो आपका यहाँ बार बार आने का मन करेगा। वैसे मनाली के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी लोगों को पता है कैसे जाना है, क्या करना है, कहाँ रुकना है, कहाँ खाना है, कहाँ घूमना है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से बेस्ट जानकारी देने की जितना मुझसे हो सकता है। और अगर इस वीडियो से कोई जानकारी छूट जाएगी तो वो आपको अगली वीडियो में देखने को मिल जाएगी। और मनाली के बारे में मैंने पहले से ही 3 वीडियो बनाई हुई हैं, आप चाहे तो उन्हें आई बटन पर देख सकते हैं। एक वीडियो है मनाली लोकल में कहाँ कहाँ घूमे, दूसरी वीडियो है सोलांग वैली के बारे में, तीसरी वीडियो है गुलाबा के बारे में। मनाली कैसे जाएं? इससे पहले सवाल उठता है कि मनाली क्यों जाएं? सही बात है, क्यों जाएं हम मनाली? इतना फालतू टाइम थोड़ी है हमारे पास जो हम यहाँ वहां घूमते फिरें। क्या चाहता है तू? क्या चाहता है? दिसंबर से मार्च तक आपको यहाँ बर्फ गिरते हुए मिल जाएगी। रोहतांग पास, सोलांग वैली और गुलाबा जैसी खूबसूरत जगह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी हुई और बर्फ की सफेद चादरों से लिपटी हुई आपको यहाँ मिल जाएंगी। पैराग्लाइडिंग, जोरबिंग, स्कीइंग, घुड़सवारी, मंदिर, राफ्टिंग, ऐतिहासिक स्थान, स्नो एक्टिविटी, रोपवे, जिपलाइन, वाटरफॉल, नेशनल पार्क, जू, हॉट स्प्रिंग वाटर, झील, डैम, अच्छा खाना, होटल और यहाँ तक कि मन की शांति भी यहाँ पर मिल जाएगी। और अगर इतने पर भी मज़ा नहीं आ रहा है आपको तो फिर मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। बच्चे की जान लोगे अब आप लोग? अबे हट जा, अबे क्या बच्चे की जान लेगा? दोबारा मत पूछना, DOBARA मत पूछना। यहाँ हम रुके थे कुछ खाने पीने के लिए। अब हमारा मेन पहला टारगेट है चंडीगढ़, जो कि दिल्ली से लगभग 250 किलोमीटर है।
और पहुंचने में आपको 4.5 से 5 घंटे लग सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि मनाली पहुंचा कैसे जाए। तो इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर इंसान अलग अलग जगह से आता है। कोई आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, तेलंगाना। हाँ, तो सब आदमी अलग अलग जगह से आते हैं, इसलिए मैं आपको कॉमन बता देता हूँ दिल्ली से मनाली के लिए। दिल्ली से मनाली के लिए पहला ऑप्शन है बाय ट्रेन, लेकिन मनाली तक कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती, आपको चंडीगढ़ में उतरना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन तो गियो। दूसरा ऑप्शन आता है बाय फ्लाइट, पर इसमें भी एक दिक्कत है कि दिल्ली से डायरेक्ट मनाली के लिए कोई फ्लाइट नहीं है, ये आपको भुंतर में उतारेगी, जो कि कुल्लू से लगभग 8 से 10 किलोमीटर है, और यहाँ से आपको मनाली पड़ेगा लगभग 50 किलोमीटर, 1.5 से 2 घंटा। और ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि इसका किराया बहुत ज़्यादा महंगा है, अगर आप सहन कर सकते हैं तो बाय फ्लाइट भी जा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो आता है बाई बस का, अगर आप चाहें तो बस को ऑनलाइन पहले भी बुक कर सकते हैं, इसकी अलग अलग कैटेगरी होती है, एसी, नॉन एसी, इस तरह की कोई और कैटेगरी भी होती है। मेरे हिसाब से सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा कि अगर आप 3 या 3 से ज़्यादा हैं तो किराए की टैक्सी कर लीजिए। चार पाँच दिन के लिए आपको लगभग 10,000 से 15,000 तक के लिए टैक्सी बुक हो जाएगी, ये सबसे अच्छा रहेगा। देखिए, बस या टैक्सी ऑनलाइन बुक करने से पहले सभी वेबसाइट पर सर्च कर लीजिए, जैसे मेक माई ट्रिप हुई और इस तरह की दूसरी वेबसाइटें भी हैं, ताकि क्या पता आपको कुछ सस्ता पड़ जाए किसी अदर साइट पर। और एक बात ध्यान रखिए कि गाड़ी बुक करते समय आप बोल दीजिए कि हमें यहाँ यहाँ भी जाना है, क्योंकि उनका फिक्स होता है मनाली, अगर आप उनसे कहेंगे कि हमें मणिकरण भी जाना है तो वो आपको मणिकरण नहीं लेकर जाएंगे, इसलिए आप पहले बोल दीजिए जहाँ भी आपको जाना हो। मणिकरण मनाली से 80 किलोमीटर है। सबसे लास्ट और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन, अगर आपके पास बाइक है और आप 2 बंदे हो और आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी है, तो आप बिना झिझक अपनी बाइक उठाइए और दिल्ली से मनाली के लिए निकल जाइए। सच में बहुत मज़ा आता है बाइक से। तो दोस्तों, बकवास करते करते अब हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। दिल्ली से हमने 3:00 PM शुरू की थी यात्रा, आप बच चुके हैं 9, मतलब 6 घंटे में हम चंडीगढ़ पहुँच चुके हैं। अच्छा, चंडीगढ़
द सिटी ब्यूटीफुल। तो दोस्तों यहां हम चंडीगढ़ में रुके हैं एक लड़की के लिए। ये दोस्तों लड़की के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको ये ज़रूरी जानकारी दे दूं कि हम निकल चुके हैं चंडीगढ़ से बिलासपुर की ओर। यहाँ हम थोड़ा कंफ्यूज हुए थे क्योंकि चल तो हम अपने जीपीएस सही रहे थे, पर पीछे एक ने बताया कि दूसरी रोड ले लीजिए क्योंकि ये जीपीएस वाली आपकी रोड ख़राब है, इस पर समय भी ज़्यादा लगेगा। तो उनके कहने पर हमने अपना रास्ता बदल दिया था। तो हमने एक बार सोचा क्यों ना ऑटो वाले से पूछ लिया जाए। मनाली के लिए जाना है यार। गलत है? हाँ धन्यवाद। रात का समय था, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे इसलिए बार बार रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ रहे थे। जीपीएस हमारा ऑन था और जब भी हम अब किसी से रास्ता पूछते तो पहले जीपीएस पर चेक कर लेते थे कि वो रास्ता सही है या नहीं, तब आगे बढ़ते थे। दिल्ली से यहाँ तक हमने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक पी थी तो इस वजह से हमें काफ़ी भूख भी लग रही थी। अब हमें ज़रूरत थी रीस्टार्ट होने की, मतलब हमें भूख बहुत ज़ोर से लग रही थी तो हमने सोचा मेरे भाई जो भी ढाबा मिले उस पर रोक ले, फिर हम खाना खा के आगे चलेंगे या जो भी फैसला होगा यहीं बैठकर करेंगे आगे चलना या नहीं चलना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे।
आप देख रहे हो ये देखो कैमरा चल रहा है अब भी देखो चलेगा चल तो रहा है एंड ऑफ के रिपोर्ट चलेगा सर पाँच घंटे लगते हैं पाँच छः घंटे ठीक है और अभी टाइम हो रहा है साढ़े दस में ग्यारह बजे ग्यारह बारह एक दो तीन चार पाँच बजे पहुँचा हम सर यहाँ भी रुकने जा रहे हैं पहाड़ पहाड़ में रोड चढ़ेंगे ना पहाड़ों से पहले होटल वोटल होगा होटल तो सही है बाहर होगा वहाँ जाके रेस्ट कर लेंगे सस्ता वाला होटल दे देंगे दो तीन घंटे के पेट्रोल है पेट्रोल दबा लेंगे भाई पेट्रोल पंप पड़ेगा इसमें से पीछे आगे जाना है आगे आगे अगर हाँ पड़ेगा यहाँ से एक किलोमीटर ही होगा एक दो किलोमीटर यहाँ से मनाली के यहाँ से 200 किलोमीटर बीच में रुकने का तो होगा नहीं बिलासपुर इंदौर है बिलासपुर पड़ेगा बिलासपुर बिलासपुर तो पड़ेगा वो दूर होगी पचास तीस चालीस पचास किलोमीटर पचास किलोमीटर तो दोस्तों खाना खाने के दौरान हमने तय किया कि हमें आगे बिलासपुर की ओर बढ़ना है हालांकि काफ़ी डर लग रहा है क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है तेज़ हवाएं चल रही हैं और ऊपर बादल भी बने हुए हैं पता नहीं किस टाइम बारिश आ जाए रात के करीब 12:30 बज चुके हैं तो डरना तो जाहिर सी बात है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और मौसम ख़राब है तो ऊपर वाले का नाम लेकर हम अब आगे चल रहे हैं बिलासपुर की ओर जो होगा देखा जाएगा कितना दूर है और बिलासपुर कितना दूर है बिलासपुर यहाँ पे रात को 22 बजे ले जाना मना नहीं है जिस दिन मसूरी में मना है वहाँ पे 12 बजे का अलाउ नहीं है ना एंट्री में देखिए मैं आपको बताना भूल गया कि हमने रूट पकड़ा था दिल्ली से अंबाला और चंडीगढ़ वाला हम दिल्ली से निकले फिर पानीपत कुरुक्षेत्र अंबाला चंडीगढ़ और अब बिलासपुर की ओर जा रहे हैं हमारा ये रूट है आप चाहे तो दो दूसरे रूट हैं वो भी ले सकते हैं हाँ हाँ
आ रहा नहीं है ना। आगे ना रेड रेड दिखा रहा है चूंकि पीछे गाड़ी वाले ने हमें बताया था कि आपका सामान गिरने वाला है, तो उसी को देखने के लिए हम यहाँ रुके हैं। यहाँ हम अपना सामान ठीक करेंगे और पास में एक मंदिर भी है, भगवान जी का आशीर्वाद भी ले लेंगे ताकि आगे बढ़ने में कोई परेशानी कोई दिक्कत ना हो और हम सही सलामत बिलासपुर तक तो पहुँच ही जाए। तो ऊपर वाले से प्रार्थना करने के बाद फिर हम चल दिए हैं बिलासपुर की ओर। काफी थक चुका हूं मैं। और डराने वाली बात यह भी है कि पूरी सड़क सुनसान पड़ी हुई है और रात के 1 बजने वाला है। अब बिलासपुर तक पहुंचने में यहां से लगभग 1.5 घंटा और लगेगा कम से कम। तो डरने वाली तो बात है। यहाँ हम रुके हैं अपने शरीर की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए, मतलब चाय कॉफी पानी पीकर अपने शरीर की थकान और नींद दूर कर सकें, और जाते समय मुंह भी धो लेंगे ताकि नींद फर्र हो जाए। वैसे लगता नहीं कि नींद भागेगी। समय हो चुका है 1:30 रात के। We'll be right back.
क्या सुनाना, चल पड़े हैं जो हम अब कैसा बनाना, इसे है अरे भाई मैं काफ़ी थक चुका हूँ, मुझे कुछ नहीं पता तू इस बाइक को चला या उड़ा, मुझे तो बस होटल पहुँचा दे क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और सच बताऊँ तो जानवरों का भी डर लग रहा है। मुझे गाड़ी वाले यहीं रोक के सो गए, गाड़ी सो गए। पता नहीं दोस्तों क्या संयोग है, लेकिन जब भी हम बाइक से सफ़र शुरू करते हैं अपना पहाड़ी क्षेत्र का तो वो हमारा कंप्लीट रात में ही होता है। हरिद्वार और मसूरी भी हमारा काफ़ी रात में ही सफ़र पूरा हुआ था। लेकिन भाई साहब मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके रात में बाइक से पहाड़ों में यात्रा ना करें, रात में जानवरों का खतरा लगातार बना रहता है। और सच मानिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, हे भगवान बस बिलासपुर पहुँचा दो, फिर रात में यात्रा नहीं करेंगे हम। पर एक बात बताऊं, डर के साथ साथ मज़ा भी आ रहा है क्योंकि ऐसी यात्रा हमने पहली बार की है। तो दोस्तों खुशी की बात यह है कि हम बिलासपुर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं और अब हम यहाँ सर्च कर रहे हैं होटल के लिए। अब देखते हैं इतनी रात में कौन सा होटल खुला होगा। इस टाइम हम सर्च कर रहे हैं ओयो पर। तो फाइनली हमें मिल चुका है एक होटल, तो अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, आराम करेंगे वहां पर, सोएंगे पूरे दिन। अरे यही है, यही तो है अपना होटल। यस। अरे आगे कहाँ ले जा रहा है, अबे इसको मोड़ ले जल्दी, पीछे ले पीछे। तो दोस्तों आखिरकार हम पहुंच गए हैं अपने होटल पर। यू सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत की हमने यहाँ पहुँचने में, अब रात के करीब 2:30 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं बिलासपुर। सच मानिए इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है।
तो भले ही कॉपीराइट आ जाए, लेकिन हम गाना तो लगाएंगे ही। शहर नया जहां मुस्कुराहटे बिखरी, जहां से गम का मौसम गया, जहां मीठी बातें हर एक अजनबी से हो, भूले हम भी जो सारी फिक्रें, लम्हा लम्हा खुशियां बिखरे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अभी के लिए हम अपना सफर यहीं खत्म करते हैं बिलासपुर में। अब हम यहां आराम करेंगे, होटल में सोएंगे और सुबह या दोपहर को उठकर बिलासपुर से मनाली के लिए निकलेंगे। तो जरूर बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो का पार्ट टू देखने के लिए। धन्यवाद। जी हां, मैं जानता हूं आप इंतजार कर रहे हैं चंडीगढ़ में जिस लड़की की बात हुई थी, तो ठीक है, बात करते हैं उसके बारे में। वही लड़की दोस्तों जो अपने इशारों पर नचाती है, ये मत करो वो मत करो, इधर मत जाओ उधर मत जाओ। क्या कहा आपको? उसको देखना है और आवाज सुननी है। चलो खैर, आप भी क्या याद रखोगे। तो दोस्तों, उसकी पूरी कहानी मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मैं बात कर रहा था गूगल मैप में जीपीएस वाली जो लड़की होती है उसकी कंप्यूटराइज्ड आवाज़ के बारे में। चूँकि बाइक चलाते समय हमारा पूरा ध्यान रोड पर था, तो गूगल मैप में लड़की की आवाज़ में हमें जो गाइड करती है कि किधर जाना है, उसकी आवाज़ हमें साफ सुनाई नहीं दे रही थी। इसलिए हम चंडीगढ़ मार्केट में ईयरफोन या हेडफोन ढूंढ रहे थे ताकि उसको मोबाइल में लगाकर क्लियर आवाज़ सुन सके कि अब हमें किस तरफ जाना है। तो वहाँ मैं किसी लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा था, बल्कि गूगल मैप में जीपीएस वाली लड़की की जो आवाज़ होती है कंप्यूटराइज्ड, मैं उसी के बारे में बात कर रहा था, इसलिए कुछ गलत ना समझें। उस समय मैंने ये एक छोटा सा मजाक किया था, अगर इसकी वजह से किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी। Take the next right toward Yashodamuk, then turn right onto Yashodamuk. Turn left. Recalculating. You have reached your destination.